ये चाय पत्ती का ही बगान है, ये पूरा चाय पत्ती का ही, सब सब लोग जानता है, सिलीगुड़ी गुवाहाटी आसाम ये सब जगह पर यही सब होता ही है। और यहाँ से दोस्तों देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए इधर पूरा चाय पत्ती का पेड़ लगाया हुआ है, पूरा उधर से लेके यहाँ तक पूरा रोड तक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग सिलीगुड़ी पार कर गए हैं, तो अभी हम लोग और भी सफर काट चुके हैं और यहाँ से भी 500 किलोमीटर और बचा हुआ है गुवाहाटी, तो सफर में काट ही रहे हैं और रास्ता में दुकान वगैरह देख रहे थे, कुछ सामान भी ले रहे हैं हम लोग, कुछ सामान भी घट गया था तो वो सब भी ले रहे हैं, तो इधर अच्छा लगता है देखने में, सामान सब भी अच्छा मिलता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों निकलते हैं, थोड़ा सफ़र भी काटना है क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र भी है और काटना है क्योंकि कल हमको पहुँचना है, कल हमको खाली करने का है, हम अगला पार्टी को बोल चुके हैं कि सोमवार को हम आ जाएंगे, इसलिए तो सफ़र करना पड़ रहा है। और शाम में देखते हैं, इधर तक तो होटल तो बहुत अच्छा है, नहाने का पानी उनी हर जगह मिल जाता है, तो शाम में ही नहाएंगे क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो फायदा नहीं नहा के भी। दोस्तों इधर क्या है ना कि मिट्टी जो है मतलब बालू जैसा मिलता है, हमेशा सफ़ेद सफ़ेद एकदम मिट्टी, और उसमें चमक भी आता है, जो बालू होता है मतलब हम लोग के उधर का ठोस मिट्टी मिलता है, काला मिले कंकड़ वाला मिले वैसा इधर नहीं है, देख सकते रोड भी बन रहा है तो वही वाला मतलब मिट्टी है जो हम लोग इधर बालू देखते हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ खासियत ये भी है कि इसमें धूप में जब सूख जाता है ना चमकता भी बहुत है, ये आपको दिखाएंगे कहीं, ये जैसे बहुत देखिए चमकता होगा, वो चमकता है एकदम, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है ये, और सफ़ेद ही सफ़ेद कहीं काला पीला नहीं। और इसमें एक चीज़ दिक्कत क्या होता है कि जब हवा चलता है तो उड़ता बहुत भयानक है ये, अगर हवा चलेगा ना तो लोग आँख में भी घुस जाता है, इतना मतलब बारीक है ये, तो रोड साइड में देखिए कहीं भी काला मिट्टी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ सफ़ेद ही सफ़ेद मतलब मिट्टी, इधर का नदी हो कुछ भी हो कहीं भी हो बस यही सफ़ेद सफ़ेद चल रहा है। और इधर एक चीज़ और भी है कि आपको केला गाछ और सुपारी गाछ मतलब जंगली के जैसा मिलेगा, हर स्टेट में अलग अलग है पेड़ का, तो इस स्टेट में देखिएगा कि केला गाछ जंगल के माफिक मिलेगा जैसे, और सुपारी का भी पेड़ आपको दिखाएंगे, सुपारी का पेड़ केला का पेड़ मतलब जंगली जैसा, कोई लगाए नहीं अपने आप हो जाता है इधर। दोस्तों अभी एक बज चुके हैं और अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चाय पत्ती के पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए ये सारे चाय पत्ती के पौधे हैं, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वही लगा हुआ है रोड के उस पार भी। अभी पापा भी आ रहे गाड़ी यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए खड़ा किया है, बहुत ज़्यादा धूप है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। अभी थोड़ा पापा टायर चेक कर रहे हैं, टायर भी दोस्तों बीच में चेक करना ही पड़ता है, कुछ लग ना गया हो नहीं तो पंचर हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी जा रहे थोड़ा करीब से देखने के लिए, ये देखिए अभी आ गया है, पक्का चाय पत्ती है मालूम है कि नहीं, ये चाय पत्ती का ही बगान है, ये पूरा चाय पत्ती का ही, सब सब लोग जानता है कि सिलीगुड़ी गुवाहाटी आसाम ये सब जगह पर यही सब होता ही है, ये सब यही सब खेती है चाय पत्ती का, ये सब तोड़ के सुखा करके फिर बनता है, मशीन में जाता है, तोड़ने वाला भी है, लेडीज लोग तोड़ते भी रहता है, अंदर पूरा देखने लगा हुआ है इधर। और यहाँ से दोस्तों देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए इधर पूरा चाय पत्ती का पेड़ लगाया हुआ है, पूरा उधर से लेके यहाँ तक पूरा रोड तक। अभी पापा वापस जा रहे हैं लेकिन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब सब एक ही साइज का है। दोस्तों ये देखिए ये जो इसका जो हाइट ज़्यादा नहीं होता है, इसका छटैया होते रहता है, इसका जो पत्ता ही जो है वही चाय पत्ती है, इसका कोई फल वगैरह चाय पत्ती नहीं होता है, यही इसका पत्ता ही जो है यही हो गया आएगा, इसका समय होगा तो ये सब तोड़ के ले जाएगा और फिर कटिंग भी होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इतना ही कितना ही रहेगा ये, क्योंकि छटिंग कटिंग वगैरह होते रहता है, इसलिए सब आपको एक लेवल दिखाई देता होगा कि पूरा बराबर है, यहाँ देखिए कितना हाइट है इसका, जड़ कितना मोटा है, उस हिसाब से छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना नहीं करना है, इसको एक लेवल में रखना है और तोड़ते रहना है। तो ठीक है दोस्तों ये हमारा चाय पत्ती बगान है सिलीगुड़ी का, अभी अगर वहाँ रहते हैं दार्जिलिंग में तो दार्जिलिंग में भी दिखाई देता आपको, लेकिन दार्जिलिंग अभी बाईपास निकल गया तो हम लोग को दार्जिलिंग मिला नहीं, इसीलिए करके आप लोग बाईपास ही बाईपास आ गए। ठीक है नेक्स्ट टाइम कभी दार्जिलिंग होके भी जाएंगे।
अब दोस्तों हम लोग वापस निकल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहा है, गर्मी का। गर्मी इतना ज्यादा हो जा रहा है, गाड़ी भी गर्म हो जा रहा है। अभी देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना, मतलब बहुत गर्म हो रहा है। ये देखिए, अगर बाहर थोड़ा मौसम, बाहर तो थोड़ा सही लगता है, अंदर जैसे जाएंगे पूरा गर्म होने लगेगा वापस। दोस्तों गर्मी तो बहुत है इधर भी, सब तरफ ही मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ पर है, थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन हम लोग जो पानी जो है, पानी पीने का ये जा नहीं रहा है। हम इसीलिए 20 लीटर का डब्बा रखे हैं पानी ठंडा रखने वाला। पहले पानी रखते थे मतलब 2-3 दिन चल जाता था पानी, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि ऐसे तो उसमें 24 घंटा रहता है ठंडा, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है पानी। जहाँ हम लोग मिलता है फिल्टर वाला पानी तुरंत खरीद लेते हैं, और पानी हम लोग स्टोर रखते हैं कि पानी भाई ज़रूरी है। अभी देखिए सुबह हम लोग नाश्ता किए, गाड़ी में बनाए थे तो नाश्ता कर लिए। अभी कितना बजे, 1 बज गया अभी, और अभी तक हम लोग को भूख नहीं लगा है। मतलब पानी ही बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, चलते चलते गाड़ी में पानी ही पीते रहते हैं, अभी तक भूख लग नहीं रहा है। और दोस्तों एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जब हमको कल खाली करना है तो उसके लिए भी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, हम सफ़र काट ही रहे हैं। गर्मी है तो क्या है, सफ़र तो काटना पड़ेगा। तो अगला पार्टी को भी बोल दिए थे सोमवार को हम आएंगे, और यहाँ से अभी बॉर्डर रह गया है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर के बाद वहाँ से आसाम चालू हो जाएगा। तो पहुँचते अभी बॉर्डर में, वहाँ का भी जो ताम झाम है, जो सिस्टम है वो करना पड़ेगा। पहले तो बहुत सिस्टम था, अभी तो सुनते हैं कि बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा था समय, 2-2, 3-3 दिन लगता था, क्योंकि आसाम का जो पार्टी है उसके पास बैबिल जाता था, मतलब टैक्स, तो माल का टैक्स का बैबिल जाता था, तो वो फिर बॉर्डर में भेजता था कि मेरा आदमी है उससे तुम ले लेना, तो बॉर्डर में मोहर मराना, तब हम अंदर जा सकते हैं। लेकिन जब से सरकार हमारा जो है ये जो फॉर्म लगा दिया है, GST वाला जो फॉर्म लगा दिया है, इससे हम लोग को अब रुकने का मतलब नहीं है। वो कम वहाँ से डायरेक्ट मेल कर देता है, आप मिल जाता है, टाइम देता है इतना समय में आपको पहुंचना है, नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, टाइम बढ़ भी जाता है। तो ये चीज़ हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ, समय नहीं टूटता है। ठीक है दोस्तों, पहुंचते बॉर्डर में, देखते हैं अब क्या चेंजिंग आया है। दोस्तों अभी हम लोग आसाम के बॉर्डर में पहुंच चुके हैं, ये रहा अभी अपना गाड़ी का वजन होगा, उसके बाद फिर थोड़ा फाइल वगैरह चेक करेंगे, तब जाके हम लोग का फिर एंट्री होगा आसाम में। और इधर फाइन भी लगता है ना ओवरलोड का? ओवरलोड का तो हर जगह फाइन है, यहाँ तो कांटा में चेक होता है, अगर ओवरलोड है तो तुरंत फाइन होगा। तो भाई दोस्तों अगर ओवरलोड हुआ, अपना तो 5 टन है, 9 टन पासिंग है और 5 टन माल है, तो अपना कोई टेंशन नहीं है। तो अभी वही वजन होगा तो उतरना पड़ेगा हम सभी को। दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुका है, हम लोग आसाम इन कर चुके हैं, और आसाम में जितना भी जो ताम झाम था बॉर्डर का, काटा कराओ, चेक कराओ, ये सब करा लिए, डाला वगैरह भी, मतलब क्या कि जिसमें सील मारा हुआ रहता है उसको नहीं खुलवाता है, और जिसमें ताला मारा हुआ तो खोल के चेक कर लेता है, वो भी करा लिए हैं। अब हम लोग आसाम मतलब आ चुके हैं अंदर। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से 250 किलोमीटर बचा हुआ है, तो रात में कुछ खींचेंगे, सुबह भी उठ के खींच लेंगे तो पहुँच ही जाएंगे वहाँ। ठीक है, मौसम भी ठंडा हो ही गया है, और गर्मी तो कर रहा है, नहाने का मन तो है, लेकिन सोचते हैं कि देखते बढ़िया जगह कि मिलेगा तो नहाते भी हैं। अभी दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग बोंगाई गांव पार कर रहे हैं, और अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगा, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रहा, हवा भी चल रहा है, और थोड़ा भी अंधेरा करके है क्योंकि लाइट चालू करने पे शीशा थोड़ा चमकता है तो आगे का दिखाई नहीं देता है, ऐसे भी अभी बारिश में थोड़ा दिख नहीं रहा। तो अभी थोड़ा मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है, ये देखिए इतना अच्छा बारिश हो रहा है। दोस्तों जितना गर्मी जो झेले आज दिन भर, वो आज अभी मौसम देख, इतना हवा और इतना तेज मतलब बारिश हो रहा है कि मन तो आनंद आ गया। हालांकि नहाने का मौका नहीं मिला, लेकिन चलो इसी पानी से लग रहा है कि इसे नहा लिया, अब बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा शीशा उठा दिए हम, इतना मतलब हवा बाहर चल रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, इधर से ही हवा है ज़्यादातर। तो ठीक है दोस्तों अभी तो अच्छा लग रहा है, लाइट जला के चल रहे हैं हम लोग। अभी दोस्तों अब जाके हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लिए, थोड़ा भूख लग गया है खाना खाने के लिए, क्योंकि दोपहर में भी आप लोग देखे होंगे हम लोग कुछ नहीं खाए, सुबह हम लोग खाए थे चाउमीन बना के खाए थे, वो शायद ब्लॉग में इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखा था, तो सुबह चाउमीन बना के खाए थे वही खा के रह गए, और फिर अभी थोड़ा ज़्यादा ही भूख लग गया इसलिए सोच रहे थोड़ा जल्दी खा हुआ के फिर यहीं पर यहीं सोइएगा ना।
अभी थोड़ा प्लानिंग बाकी है दोस्तों, आगे भी जा सकते हैं या फिर रुक भी सकते हैं। अभी टोटल यहाँ से 160 किलोमीटर बचा हुआ है जहाँ पे हम लोग को गाड़ी खाली करना है। जो हमारे जो जहाँ खाली करना है वो लोग लोकेशन भेज दिए है, तो वहाँ से टोटल 160 किलोमीटर और बाकी है। और हम लोग तो विशाखापट्टनम से लोड किए थे, तो टोटल 1900 किलोमीटर अभी तक हम लोग सफर पूरा कर लिया है। और वही झारखंड होते हुए आए थे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ गया है 100 किलोमीटर, नहीं तो फिर 1800 किलोमीटर के आसपास ही होता अगर बंगाल से आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी चलते खाना खाने के लिए, होटल के पास आ गए हैं। ये रहा दोस्तों, इसी होटल में अभी जा रहे खाना खाने के लिए। और ये पापा भी आ गए, बहुत सारे ट्रक लगे हुए यहाँ पे। ये दाल है, उर्ची ये दाल है, बेसन कट्टा है, चना मसाला है, अंडा करी है, अंडा भुजिया होगा, अंडा भुजिया, बेसन कट्टा, एक जगह बेसन कट्टा लगा दो और दो अंडा भुजिया लगा दो, इसमें टमाटर प्याज ज़्यादा डाल कर डालना है। ये हमारा रात का खाना लग चुका है, अंडा भुजिया और ये बेसन कट्टा मंगाया है। थोड़ा अलग सब्जी है, अलग सब्जी का नाम आया तो हम कह चलो ट्राई करना चाहिए कैसा लगता है खाने में, देखते हैं खा के। ये सब हर जगह मिलता नहीं है, ठीक है। कोई नया सब्जी का नाम सुनते हैं तो ऑर्डर जरूर मारते हैं। जैसे घर में बनाता है बेसन पकौड़ा दे करके, उसी टाइप का है, थोड़ा सा डिजाइन वाला है, लंबा लंबा पतला पतला काट के और तरी में इसको कर दिया है। बढ़िया लग रहा है खाने में, जैसे मछली का तरी होता है उसी बनाता है इसको भी। दोस्तों अभी रात के 10:30 बज चुका है और हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, और हमारे साथ में चलने का प्रोग्राम था लेकिन बहुत से कंटेनर गाड़ी से वहीं रुका हुआ है, तो कंटेनर ड्राइवर लोग से बात किए हम, तो उन लोगों का कहना यह है कि यहाँ के बाद ज़्यादा ज़्यादा और 20 किलोमीटर जा सकते हैं, उससे आगे क्या ना कि रुकने लायक जगह नहीं है। उसका बड़ा जिस टाइप का बड़ा बड़ा होटल है पार्किंग वाला, उस टाइप का उधर नहीं है। रोड साइड गाड़ी लगाना होगा तो रोड साइड में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लेकर के वो लोग बोला कि हम लोग यहीं पर सो जाते हैं। और एक समस्या और है कि गुवाहाटी में पहले नोटी नहीं, जब हम चलते थे उसमें नोटी नहीं रहता था, अभी क्या है रोड बन रहा है वहाँ, काम चालू हुआ उसके चलते नोटी लगा रहा है, सुबह 7 बजे नोटी लगा देता है। तो हम सुबह 7 बजे तक अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो रोड पर गाड़ी खड़ा कर रखेंगे तो फिर समस्या है। तो इसके लेकर के प्लानिंग हुआ है कि यहीं पर खाना तो खा लिए हैं, सोना यहीं पर है, अब यहीं पर सो जाते हैं, सुबह कल आराम से यहाँ पर नहा धोवा के कल निकलेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से तो कल निकलेंगे शाम को लाइट जला के, तो रात रात में घुस जाएंगे पार्टी को बोल करके कि कहाँ पे पहुँचना है, क्या करना है, पूरा बता दीजिए, तो पहुँच जाएंगे वहाँ पर। अगर नॉन टिक लफा नहीं रहता तो हिम्मत करते कि चलो कोई बात नहीं, दिन को 10-11 तक बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी क्या कि बारिश भी हो रहा है और आंधी तूफान भी चल रहा है, अब रास्ता में कैसा हो तो हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं कि रात में चल पाएंगे पूरा कि नहीं चल पाएंगे। अभी यहाँ से 170 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से भी है, तो इसी लेकर दोस्तों यहीं पर हम सो रहे हैं, सुबह आराम से यहाँ उठेंगे नहा धोवा के कल अपना फ्रेश होकर यहाँ से निकलेंगे। तो कल लगभग हमको शाम ही हो जाएगा निकलने में, दिन में चल नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जा रहे सोने के लिए, अभी मिलते हैं फिर सुबह। दोस्तों अभी यहाँ होटल पे खड़े हैं, तो होटल पे क्या है कि यहाँ पे सैलून दुकान पता किए हैं, तो कल तो हमको मिला ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था इसलिए नहीं मिला। तो हमको अपने पास भी जुगाड़ ही है, जब नहीं मिलता कहीं तो अपना जुगाड़ हम लगा लेते हैं। अभी पता किया यहाँ पर तो बोला कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, हमको चलो इससे अच्छा है कि अपने से बना लेते हैं, जब समय मिलता है जहाँ तो अपना जुगाड़ निकाल लेते हैं, पूरा सैलून सारा भर फिटकरी वगैरह सब रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी दाढ़ी भी बनाते हैं फिर नहाना धोना करते हैं यहाँ से। दोस्तों नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं सब, पूरा तैयारी 2-3 दिन से नहीं नहाए थे इसलिए अब नहा धोकर सब टंच हो गए। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ रुकेंगे और जब शाम होगा थोड़ा ठंडा मौसम होगा तब यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, आगे का सफ़र आपको अगला नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।